could do with another question of probability. This is question number 54 from exercise 13.1, page number 13.24 from Adi Sharma. It says, two dice are thrown simultaneously. How many eggs are two dice thrown? Find the probability that 5 will come up on either of them, 5 will come up on at least one of them, 5 will come up at 4 dice. सबसे पहले उसका बनाते हैं सैंपल स्पेस और दो डाइस थ्रो करते हैं. सैंपल स्पेस क्या बनता है? हो सकता है पहले वाले पे वन हो, दूसरे पे वन हो, पहले पे वन हो, दूसरे पे टू, पहले पे वन, दूसरे पे थ्री, पहले पे वन, दूसरे पे फोर, पहले पे फाइव, वन दूसरे पे फाइव, पहले पे वन, दूसरे पे सिक्स. दो डाइस आप थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम सिक्स केस हो सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ छह नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो या तो ये केस हो सकता है या पहले पे टू, दूसरे पे वन, पहले पे टू, दूसरे पे टू, पहले पे टू, दूसरे पे थ्री, पहले पे टू, दूसरे पे फोर, पहले पे टू, दूसरे पे फाइव, पहले पे टू, दूसरे पे सिक्स, या फिर पहले पे थ्री, दूसरे पे वन, थ्री टू, थ्री थ्री, सकता है थ्री फोर हो, कॉम्बिनेशन थ्री फाइव का हो या थ्री सिक्स का, या फिर फोर वन का कॉम्बिनेशन, फोर टू का हो सकता है, फोर थ्री का, फोर फोर का, फोर फाइव का, फोर सिक्स का. इसी हम फाइव से स्टार्ट करेंगे. फाइव वन का, फाइव टू का, फाइव थ्री का, फाइव फोर का, फाइव फाइव का, या फिर फाइव सिक्स का. सेम इज लास्ट केस होता है सिक्स वन का, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स. ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि डाइस पे इस तरह से नंबर्स आए. अब हमसे सबसे पहले कहा गया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट फाइव विल नॉट कम अप ऑन ईदर ऑफ देम. फाइव विल नॉट कम अप ऑन ईदर ऑफ देम. दैट मींस फाइव दोनों में से एक पर भी नहीं आए, वो केस निकालना. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल आउटकम्स हमारे पास सी सिक्स, एक डाइस पे सिक्स केसेस हो सकते हैं, दूसरे में भी सिक्स हो सकते हैं. सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स इज 36. टोटल केस होंगे 36 पॉसिबल आउटकम्स. फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम. फाइव एक पर भी नहीं आया तो यू सी ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें फाइव नहीं आ रहा. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक पर भी नहीं. दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, 25 केसेस ऐसे हैं जहां फाइव एक पर भी नहीं आ रहा. सो 25 बाय 36. पार्ट नंबर सेकेंड, फाइव विल कम अप ऑन एटलीस्ट वन ऑफ देम. फाइव विल कम अप ऑन एटलीस्ट वन ऑफ देम. किसी एक पर फाइव आ जाए, किसी एक पर फाइव आने की एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक पर, तो एक से ज्यादा का केस भी हो सकता है. तो ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर एक ये दूसरा तीसरा चौथा एटलीस्ट वन, कम से कम एक पर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कम से कम एक टेन इलेवन. तो ऐसे इलेवन केसेस हैं जहां कम से कम फाइव एक पर है. कम से कम एक मतलब दो पर भी हो सकता है. 11 by 36. Part number 3. Probability निकालनी है that 5 will come up at both dice. दोनों dice पर आपको 5 होना चाहिए. बिल्कुल strictly ये बोला गया will come up on both dice. तो अगर आप इनकी statements देखें कि difference है, इसमें कहा गया at least one of them. कम से कम एक पर आए, तो दो पर भी आ सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है. यहाँ कहा गया on both dice, दोनों पर आए, तो आपके पास सिर्फ एक ही केस होता है, दोनों पे आएगा 5-5. आंसर आएगा 1/36. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. सो दिस वाज 54th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.